नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज गुप्त काल का पार्ट 5। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुप्त काल का लास्ट पार्ट बेसिकली। इससे पहले मैंने चार पार्ट डाल दिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इससे रिलेटेड वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम इस पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं गुप्त काल के कला, संस्कृति, स्थापत्य और उनके प्रशासन के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण है, इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को पॉज करके, आपकी मैंने आसानी के लिए पहले यहाँ पे कुछ लिख रखा है ताकि आप आसानी से वीडियो को पॉज करें और उनको लिख ले। मेरे द्वारा बताई गई बात, कुछ बातें ऐसी है जो लिख के बताता हूँ, कुछ बातें ऐसी है जो डायरेक्ट बोली जाती है। आप सभी के सभी आराम से लिख लीजिएगा कॉपी पे, क्योंकि जो भी बात मैं बता रहा हूँ वो किसी न किसी पेपर में आ चुकी है पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुप्त काल की कला और संस्कृति की अगर हम बात करना चाहें तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड था, ओवरऑल टाइम पीरियड, इसको कहा जाता था गुप्त काल को स्वर्ण काल। भारत का अगर पूछा जाए गोल्डन टाइम पीरियड कब रहा है आपका, तो ये गुप्त काल ही था, पूरा गोल्डन टाइम पीरियड, क्योंकि इसी के अंदर सारे के सारे मंदिर बने हैं, बहुत सारी गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं वो भी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे, काफी सारी व्यक्ति जो रचनाकार आए हैं, ठीक है, तो उनकी रचनाएं जो हैं वो इसके अंदर आपको मिलेगी, कई सारे नाटक हैं, कई सारे काव्य खंड हैं, गणितज्ञ हैं, महान गणितज्ञ हैं इसी के अंदर आए हैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है ये आपका। सबसे पहले किसके अंदर आपके व्यक्ति आए हैं, कालिदास। अगर आपको याद है कालिदास के बारे में तो मैंने आपको पहले बताया है, कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके 9 रत्नों में शामिल थे, ये 9 रत्न थे उनके अंदर कालिदास। और सबसे पहले ही मैंने बताया हुआ कालिदास, उसके बाद में धन्वंतरी, शंकुर, जैसे आपके अमर सिंह, ये 9 रत्न थे, उनमें से कालिदास एक 9 रत्न थे। कालिदास के ये एक मालविका अग्निमित्र और विक्रमोवश्य और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये जो तीन हैं, ये तीनों इनके बेसिकली नाटक है। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम है ये किसके द्वारा लिखा गया है, कालिदास के द्वारा, विक्रमोवश्य कालिदास द्वारा, और मालविका अग्निमित्र वो भी कालिदास द्वारा। इन तीनों में सबसे ज्यादा फेमस जो है ये अभिज्ञान शाकुंतलम, बहुत बार पेपर में आ चुका है ये अभिज्ञान शाकुंतलम। एक राजा थे दुष्यंत राजा, उनकी पत्नी का मेल मिलाप, उनसे वियोग, उसके बारे में सब कुछ बताया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभिज्ञान शाकुंतलम, एक नाटक है पहली बात, ये भी याद रखिएगा। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, कालिदास के द्वारा। जो ये मेघदूत, रघुवंश और ऋतु संहार, ये तीनों काव्य खंड हैं आपके, और ये किसके लिखे हुए हैं, ये तीनों ही कालिदास के द्वारा, मेघदूत, रघुवंश, ऋतु संहार। इन तीनों में से मेघदूत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर दो प्रेमी और प्रेमिका के बारे में बताया गया, जो बादलों में मिलते हैं, संदेश कैसे भिजवाते हैं, वो सब कुछ, मतलब जो आज के टाइम पे वो तौर तरीके होते हैं प्यार करने के, वो सब कुछ यहाँ से शुरू हो चुके थे। दूसरी बात, कालिदास जो थे वो एक संस्कृत के रचनाकार थे, संस्कृत भाषा में अपने काव्यों की रचना की है, ये इतनी सारी काव्य की रचना कर दी इन्होंने, इतने काव्य खंड, इतने नाटक की रचना कर दी, तो एक अंग्रेजी राइटर शेक्सपियर, उनसे इनकी रचना की गई है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को कहा जाता है, तो ये भी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस वाले सेक्शंस में आपका क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत, ये दोनों ही मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा चुके हैं। उसके बाद में रघुवंश, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्र और विक्रमोवश्य, ये रचनाएं सारी कालिदास की है। इसके बाद में गुप्त वंश में अगले जो आपके विद्वान आते हैं उनका नाम है आर्यभट्ट। हालांकि ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के ही काल में थे, ये 9 रत्नों में तो शामिल नहीं थे, लेकिन उनके दरबार में विद्वान के रूप में विराजते थे ये बेसिकली एक महान गणितज्ञ थे, बहुत बड़े गणितज्ञ थे। इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में एक कुसुमपुर नामक जगह है, ठीक है, कुसुमपुर, इस कुसुमपुर में इनका जन्म हुआ है पाटलिपुत्र में, और ये महान गणितज्ञ थे। महान गणितज्ञ का मतलब क्या है, इन्होंने ही सबसे पहले शून्य की खोज की है, इन्होंने ही सबसे पहले दशमलव की खोज की है, दशमलव यानी कि पॉइंट और जो जीरो, इसकी खोज करने वाले दुनिया में सबसे पहले आर्यभट्ट है, या कह सकते हो जीरो किसने दिया, भारत ने दिया, हमारे भारत में दिया किसने, आर्यभट्ट ने दिया है। ये किसके दरबारी विद्वान थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के, हालांकि 9 रत्नों के मंडल में नहीं थे, पर थे उनके ही दरबारी विद्वान। इन्होंने ही सबसे पहले दुनिया में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की विधि बताई थी, कि एरिया कैसे निकाला जाता है, त्रिभुज का एरिया कैसे निकाला जाता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, इस तरीके से का जो एरिया निकालने का तरीका होता है आपका त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, वो सबसे पहले आर्यभट्ट ने दिया था,
बाकी हीरोइंस फॉर्मूला है वो आपका अलग ही है। आई थिंक सो हीरोइंस फॉर्मूला क्या होता है, एस एस इंटू एस माइनस में ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, ये आपका हीरोइन फॉर्मूला है। वेयर इज द एस, एस इज इक्वल टू क्या होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, ये आपका एक हीरोइन फॉर्मूला। इसके थ्रू भी एरिया निकलता है जब हमें हाइट ना दे रखी हो किसी ट्रायंगल की। खैर आपने ये चीजें मैथ में पढ़ी होगी ऑलरेडी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, सबसे पहले आर्यभट्ट ने सबसे पहले पाई का स्टीक मान बिल्कुल सही तरीके से, वो भी आर्यभट्ट ने दिया था स्टीक मान 22/7 जो है वो बिल्कुल स्टीक मान आर्यभट्ट ने दिया था। हालांकि इस दुनिया में वर्तमान तक पाई के मतलब पाई एक अनलिमिटेड है, पाई की संख्या जो है इसको अभी तक कोई 100% बता भी नहीं पाया है। एक व्यक्ति है जिन्होंने 76,000 के आसपास पाई की वैल्यू याद कर रखी है और उनको मैथ का जादूगरी कहा जाता है। अगर आप इससे ज्यादा यूज करते हो या याद करते हो तो आपको कहे जाएगा मैथ का जादूगर। ये एक अप्रिमेय संख्या, बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू है। हम नॉर्मली 22/7 पढ़ते हैं या 3.14 हम पढ़ते हैं। खैर 22/7 पाई की बिल्कुल स्टीक वैल्यू जो है सबसे पहले आर्यभट्ट ने दी थी। आर्यभट्ट ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी की परिधि के बारे में, पृथ्वी अपनी परिधि पे घूर्णन करती है इसके बारे में बताया था सबसे पहले आर्यभट्ट ने भी। अपने परिधि पे घूमती है, अपनी अक्ष पे घूमती है वो, ठीक है। आपको याद होगा पृथ्वी का एक घूर्णन जो खुद का होता है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड जो हमारा एक दिन बनता है लगभग इसके आसपास। तो ये जो घूमती है अपनी परिधि पे और सूरज के ये बाहर चक्कर काटती है तो परिभ्रमण काल होता है उसका। तो ये सब बातें जो है सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बताई थी। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले सूर्य ग्रहण का और चंद्र ग्रहण के बारे में भी जिक्र किया था कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है, कैसे सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों के एक लाइन में आना, कौन पहले चंद्रमा बीच में आता है सूर्य बीच में आता है, ये सब कुछ सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जो भी प्रक्रिया होती घटना होती है वो आर्यभट्ट ने बताई थी। तो ये बात आर्यभट्ट से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट है। महान गणितज्ञ, एक तो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये किस क्षेत्र से थे, ये गणित क्षेत्र से थे, इन्होंने कई किताबें भी लिखी है गणित से संबंधित और गणितज्ञ थे। अच्छा सबसे पहले इनका जन्म कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में कहाँ हुआ, कुसुमपुर में हुआ। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल किसने बताया था या निकालना किसने सिखाया, आर्यभट्ट ने सिखाया। पाई की बिल्कुल स्टीक वैल्यू किसने दी थी, आर्यभट्ट ने, कितनी 22/7। शून्य दशमलव की खोज किसने की है, आर्यभट्ट ने की है। पृथ्वी अपनी परिधि पे घूर्णन करती है, अपने अक्ष पे घूमती है, परिभ्रमण काल सब कुछ पृथ्वी का किसने बताया, आर्यभट्ट ने। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में किसने बताया, तो आर्यभट्ट के बारे में। इतना आपको याद रखना है आर्यभट्ट के बारे में, याद रहेगा आपको, वेरी गुड। अगले जो विद्वान रहे हैं उनका नाम है वराह महीर। आपको याद होगा ये भी आपके किसके दरबार में विराजते थे, ये भी चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे, नौ रत्न की मंडली में ये शामिल थे वराहमिहिर। और वराहमिहिर जो थे वो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। खगोल शास्त्री, अभी खगोल क्या बीमारी होती है सर, खगोल का तात्पर्य ये जो ग्रहों की स्थिति के बारे में, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण, खगोल विज्ञान के बारे में, ज्योतिष विज्ञान के बारे में, एक एस्ट्रोलॉजी टाइप में जो बातें करें वो थे आपके ये वराहमिहिर। इन्होंने उज्जैन, उज्जैन जो पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, एक उज्जैन का जो फेवरेट क्वेश्चन है आपका पेपर का वो है सिप्रा नदी के किनारे पड़ता है, वो भी इंपॉर्टेंट है कि किस नदी के किनारे है, ये सिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन। तो उज्जैन में एक प्रयोगशाला की स्थापना की थी इन्होंने और इसी में ही सबसे पहली बार पृथ्वी के देशांतर के बारे में बताया था इन्होंने। पृथ्वी के देशांतर अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो होती है, हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि पृथ्वी हमारे भारत का कितना देशांतर है, अक्षांश, बेसिकली पढ़ेंगे कि अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी के देशांतर और अक्षांश के बारे में या देशांतर के बारे में गणना की गई थी वराहमिहिर द्वारा की गई थी। बात समझ आई आपको, वेरी गुड। अगले जो आपके इसके अंदर विद्वान आए हैं गुप्त वंश में उनका नाम पड़ता है ब्रह्मगुप्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, एक बार एक पेपर में पूछा गया था ये कहां के रहने वाले हैं, तो ये राजस्थान के रहने वाले हैं। राजस्थान में एक जगह पड़ती है भीनमाल, ठीक है, भीनमाल के रहने वाले हैं ये। तो चलिए आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा भीनमाल जो है वो किसके अंतर्गत आता है, मतलब आसपास कौन सा बड़ा शहर है, जालोर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, इस ऐसे किसके अंतर्गत आता है ये भीनमाल आपका। सो भीनमाल के थे ये ब्रह्मपुत्र और ये भी एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, खगोल शास्त्री थे प्रसिद्ध। लेकिन इन्होंने दुनिया में सबसे पहली बार, ब्रह्मगुप्त ही पहली बार ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। नहीं सर हमने तो गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन का पढ़ा है। अरे नहीं, ब्रह्मगुप्त ने ही सबसे पहली बार कहा था
कि पृथ्वी में कोई तो गड़बड़ है कि सारी की सारी चीजें जो है वो कुछ भी फेंको पृथ्वी की ओर ही आकर्षित होती है, हर चीज पृथ्वी के अंदर ही आके गिरती है, तो पृथ्वी के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन ये सिर्फ गड़बड़ शब्द तक ही सीमित रह गए थे, मतलब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बाकी आगे न्यूटन महोदय आए थे, उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण होता है, ताकि उसे जैसे नीचे आया था अच्छे से एक्सप्लेन उन्होंने कर दिया। लेकिन जो सबसे पहले कंसेप्ट दिया था ब्रह्मगुप्त ने, दे दिया था गुरुत्वाकर्षण का, ये समझ आया आपको, वेरी गुड। उसके बाद में अगले व्यक्ति आए हैं नागार्जुन, ये एक बौद्ध विद्वान थे आपके, ठीक है, इसके दरबार में थे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चिकित्सा की नई पद्धति निकाली थी, और उस पद्धति का नाम था रस पद्धति। इन्होंने पारा, सोना, चांदी, इन सभी चीजों की और बाकी और भी अन्य धातुओं की भस्म तैयार कर दी थी। अब तक इससे पहले इतना कोई मतलब कोई कर नहीं पाया था कि इनको बहुत ज्यादा गर्म करके इनकी भस्म राख टाइप से बनाई जा सके, लेकिन ये पहले ऐसे व्यक्ति थे नागार्जुन जिन्होंने रस पद्धति का प्रयोग किया चिकित्सा में, और पारा, सोना, चांदी इनकी भस्म तैयार की। और ये आज वर्तमान में इन पारे की, सोने की, चांदी की भस्म जो है अनेकों अनेक बीमारियों में इनका प्रयोग किया जाता है। तो प्रसिद्ध चिकित्सक कह सकते हो आप इनको, नागार्जुन को। अगले बाद में आए हैं विष्णु शर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी एक रचना है पंचतंत्र, बहुत फेमस है क्वेश्चन एग्जाम में, आपको शायद पता भी होगा पंचतंत्र किसकी रचना है, विष्णु शर्मा की है। ये किताब जो है वो नैतिक शिक्षा पे आधारित है। आप जब छोटे होते थे तो जानवरों की कहानी होती थी, नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन जो थी आपकी, वो यही थी, पंचतंत्र की कहानियां होती थी। छोटे छोटे कॉमिक्स भी आती थी अपने स्केच वगैरह के साथ में, तो पंचतंत्र की कहानियां उन पर लिखा भी होता था। तो ये नैतिक शिक्षा की किताब थी पंचतंत्र। एक इसका इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अधिक भाषाओं में अनुवाद की जाने वाली ये पुस्तक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे, तो पहले नंबर पे कौन सी है? पहले नंबर पे है आपकी है बाइबिल। बाइबिल जो है दुनिया में सबसे ज्यादा अधिक से अधिक भाषाओं में अनुवाद की जा चुकी है। ये दूसरे नंबर पे है ऐसी किताब जो ज्यादा भाषाओं में अनुवाद की जा चुकी है। तो ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये कुछ प्रमुख विद्वान थे इसके, किसके, आपके गुप्त काल के। अब आगे हम जानते हैं कि इनके मेन साहित्य कौन से रहे हैं इस टाइम के, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग प्रसिद्ध साहित्य के बारे में। तो गुप्त काल के जो प्रसिद्ध साहित्य रहे हैं उनमें एक आपका आता है काव्य दर्शन। काव्य दर्शन जो लिखा हुआ है वो दंडिन द्वारा लिखा गया है, बल्कि मैं कहूं इनसे भी सबसे इंपॉर्टेंट जो था आपका एक साहित्य जो आपने, मैंने आपको पहले भी बताया है, एक तो था देवी चंद्र गुप्तम, और एक साहित्य जो है किताब जो है आपकी उसका नाम है मुद्रा राक्षस, ठीक है। और जो मुद्रा राक्षस किताब है ये देवी चंद्र गुप्तम और मुद्रा राक्षस जो है आपकी, ये दोनों किसके द्वारा लिखी गई है, ये इसका नाम आपको याद होगा ही, इनका नाम है विशाखदत्त, ठीक है, विशाखदत्त। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, देवी चंद्र गुप्तम और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त द्वारा। बाकी काव्य दर्शन है वो दंडिन द्वारा, किरात अर्जुन नियम जो है वो भारवी द्वारा लिखा हुआ है, रावत जो है वो वस्त्र भट्टी द्वारा, अमरकोश जो है वो अमर सिंह द्वारा, इसमें कामसूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वत्स्ययान द्वारा, और मर्च कटिका, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछी जा चुकी है आपकी, ये शूद्रक द्वारा। इन सभी में आपकी तीन किताबें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तीन क्या कहूंगा चार, एक तो देवी चंद्र गुप्तम, इस देवी चंद्र गुप्तम में चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में लिखा हुआ है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, या बल्कि मैं कहूं समुद्रगुप्त का जो कार्यकाल था आपका 375 तक था आपका, और 375 से 380 के बीच में जो आपके 5 साल बीते थे उनका सब वर्णन देवी चंद्र गुप्तम में है। एक इनकी किताब मुद्रा राक्षस है जो मौर्य वंश के बारे में कुछ बताती है हमें। तो देवी चंद्र गुप्तम और मुद्रा राक्षस दोनों विशाखदत्त की इंपॉर्टेंट है, एक कामसूत्र है वत्स्ययान की लिखी हुई इंपॉर्टेंट है, और मर्चकटिका जो है वो मर्चकटिकम है ये शूद्रक की। ये तीनों पेपर में, पहले चारों जो है पेपर में एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुद्रा राक्षस, कामसूत्र, मृच्छकटिका, बाकी ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं गुप्त काल के और स्थापत्य काल की। तो गुप्त काल पहला ऐसा काल था जिसमें मंदिर के स्थापना के अवशेष मिले हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इससे पहले कभी मंदिर नहीं बना होगा, लेकिन अवशेष जो है या हमें प्रमाण जो मिले हैं वो इसी काल में मिले हैं। गुप्त काल के जो मंदिर थे उनमें मूर्ति थी आपकी, ठीक है, आपको कल याद होगा मैंने बताया होगा कि कल वाले पार्ट फोर में बताया होगा कि जो महायान धर्म था, बौद्ध धर्म का एक महायान था, नालंदा विश्वविद्यालय को महायान का ऑक्सफोर्ड कहा गया है या ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा गया है, और बौद्ध धर्म की एक हीनयान शाखा, एक महायान शाखा। सो महायान में मूर्ति पूजा के बारे में थोड़ा ज्यादा है, या मूर्ति के, भगवान बुद्ध की मूर्ति बना ली गई थी इस वक्त तक। तो यहां के मंदिरों में मूर्तियों के बारे में पता लगा है। मूर्तियां बेसिकली 2 से 3 शैली पे आधारित थी, एक पाटलिपुत्र, सारनाथ और मथुरा, इन तीनों शैलियों पे आधारित मूर्तियों का पता
अलग है, पाटलिपुत्र की कुछ शैली का प्रयोग किया गया है, कुछ सारनाथ शैली का प्रयोग किया गया है और मथुरा शैली का भी इसमें प्रयोग किया गया है। यहाँ पे अगर हम मंदिरों का उल्लेख देखते हैं तो पहला जो हमें मंदिर देखने को मिलता है वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और ये ऐसा पहला मंदिर था जिसमें मंदिर बनाने में शिखर का प्रयोग किया गया था। जो गुबंद आप मंदिरों में देखते हो, ठीक है, वो पहली बार जो देखने को मिला है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर था जिसमें शिखर का प्रयोग किया गया है। अगला जो हमें आगे उल्लेख मिलता है वो भित्री गांव, ठीक है, कानपुर का एक जगह है भित्री गांव, और भित्री गांव में जो है एक वर्गाकार चबूतरा जो है वो मिला है। मंदिर के पास में ही वर्गाकार चबूतरे पे एक मंदिर बनाया गया है और पहली बार इसके अंदर ईंटों का प्रयोग किया गया, वो भी आप याद रखिएगा, ऐसा पहला कौन सी बार मंदिर था इसमें ईंटों का प्रयोग किया गया था। वस्तुतः इससे पहले ईंटों का प्रयोग मंदिर बनाने में तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि इससे पहले वैसे ईंटों का तो प्रयोग हो गया क्योंकि हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी है और उसके अंदर ईंटों के ही घर होते थे, पक्की ईंटों के घर थे, लेकिन यहाँ पे एक वर्गाकार चबूतरे पर एक मंदिर बनाया गया था, ये ईंटों का था, गुप्त काल में ये पहला ऐसा प्रमाण था। यहाँ पे बाकी जो एक और भी बात है, पहली बार ऐसा है कि यहाँ पे मेहराब का प्रयोग किया गया था, ना तो इससे पहले कभी गुप्त काल से पहले कभी मेहराब के बारे में कहीं अवशेष मिले हैं और ना ही गुप्त वंश के बाद में कभी मेहराब के अवशेष मिले हैं, तो ये यहां तक ही सीमित है, मेहराब का प्रयोग भी इन्होंने ही किया होगा। अच्छा, उसके बाद में इनके और अगर मंदिरों के उल्लेख देखते हैं तो एक नचना मंदिर है, नचना कोठार का एक मंदिर है, ये पार्वती का मंदिर था एक, ठीक है, भूमरा का शिव मंदिर के बारे में अवशेष पता लगता है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर के बारे में पता लगता है। सो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि सिरपुर है ये किसका मंदिर था, लक्ष्मण का, भूमरा का शिव का मंदिर है, ठीक है, ये शिव मंदिर है आपका, नचना जो है ये पार्वती का मंदिर था, भित्री गांव है पहला ऐसा कौन सी जगह जहां पे वर्गाकार ईंटों का चबूतरा वाला मंदिर मिला है, भित्री गांव है पहला ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें शिखर के अवशेष मिले हैं, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, तो ये आपको याद रखिएगा, ठीक है, इतनी बात। तो चलिए आगे हम देखते हैं अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में, उनमें कौन कौन सी गुफाएं हैं और कितने प्रकार, अजंता की गुफा के बारे में। तो अजंता की गुफाओं की सबसे पहली बात तो ये है कहां पे, तो ये पड़ती है आपकी औरंगाबाद में, कहां पड़ती है ये, औरंगाबाद में। अच्छा, औरंगाबाद में कहां पर पड़ती है, कौन से गांव में पड़ती है, तो औरंगाबाद का एक अनिष्ठा गांव है अनिष्ठा, और इस अनिष्ठा गांव में इसकी सबसे पहली बार प्रमाण मिले हैं, इस अनिष्ठा गांव के कारण ही इसको अजंता की गुफाएं, इन अनिष्ठा के कारण ही इसका नाम अजंता पड़ा है, ये भी याद रखिएगा। सबसे पहली बार इसकी जो खोज हुई थी, अगर हमसे पूछा जाए कि अजंताओं की गुफाओं की जो सबसे पहली बार खोज कब हुई थी, तो खोज हुई थी इनकी 1819 में हुई थी। अच्छा, जाहिर सी बात है 1819 में अंग्रेज ही रहे होंगे, ठीक है, भारतीय तो थे नहीं उस टाइम पे, तो अंग्रेज थे, तो ये कौन सी रेजिमेंट ने खोज की थी, तो इसकी खोज की थी उस टाइम पे मद्रास रेजिमेंट द्वारा, मद्रास रेजिमेंट जो था इसमें सबसे पहली बार इस अजंताओं की गुफाओं की खोज हुई थी 1819 में। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगली बात एग्जाम में पूछी जा सकती है, अजंता की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो कुल इसमें 29 गुफाएं हैं आपकी, कितनी गुफाएं हैं, 29 गुफाएं हैं, लेकिन ये सारी 29 गुफाएं जो आपकी गुप्त काल में नहीं बनी है, इसमें बाकी और गुफाएं जो हैं वो पहली शताब्दी से ही बननी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17 और गुफा संख्या 19 जो है, यही केवल गुफाएं जो थी आपकी वो कि गुप्त काल के दौरान ही बनी थी, ये गुप्त काल के दौरान बनी हुई गुफाएं हैं आपकी, गुप्त काल के दौरान इनका निर्माण हुआ है आपका, तो ये भी आपको याद रखनी है, कौन कौन सी, 16, 17 और 19, ये तीन गुफाएं ऐसी है जो गुप्त काल के दौरान इनका निर्माण हुआ है। इन्हीं गुफाओं में आपकी अगर मैं बात करूं तो गुफा संख्या आपकी 9 है, 10 है, 19 है और 26 है, यही आपकी केवल ऐसी गुफाएं हैं जो कि चैत्य से संबंधित है, ये आपको बौद्ध धर्म में चैत्य शब्द देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो कि इनका पूजन करने की विधि को जो है वो चैत्य बोलते हैं, तो 9 पूजन करने की जगह को चैत्य, ठीक है, 9, 10, 19 और 26 यही आपकी चैत्य है, बाकी जो गुफाएं बच गई आपकी, देखो टोटल 29 है, 29 में से 1, 2, 3, 4 निकाल दी आपने, तो कितनी बच गई पीछे, 25 बच गई आपकी, तो बाकी जो आपकी 25 गुफाएं हैं वो किससे संबंधित है, विहार से संबंधित है, ये भी आपको बौद्ध धर्म से संबंधित मिल जाएगा। सो 16, 17, 19 है गुप्त काल के दौरान बनी है, 9, 10, 19, 26 है ये चैत्य हैं केवल, बाकी जो 25 हैं वो विहार से संबंधित है, वो याद रखना है। इसी गुप्त काल की इन्हीं औरंगाबाद की अजंता की गुफाओं में सबसे ज्यादा अगर प्रमाण मिले हैं किसी धर्म के, तो वो हमें मिले हैं बौद्ध धर्म के प्रमाण मिले हैं, किस धर्म के मिले हैं, बौद्ध धर्म के सबसे ज्यादा प्रमाण मिले हैं। अच्छा, बौद्ध धर्म में भी दो प्रकार के धर्म है, एक हीनयान होता है, एक आपका महायान होता है,
तो इसी में जो सबसे ज्यादा गुफा संख्या 8 से लेकर 13 तक ये जो गुफाएं हैं इसमें बौद्ध धर्म के हीनयान के बारे में पता लगा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा बार पेपर में पूछा जा चुका है, किस से किस नंबर तक की गुफाओं में हीनयान से संबंधित बौद्ध धर्म के बारे में पता लगा है, तो 8 से 13 तक। इन्हीं गुफाओं में, इन्हीं कुल 29 गुफाओं में सबसे ज्यादा पुरानी जो गुफा पता लगा है वो संख्या नंबर 13 है। यह सबसे पुरानी गुफा बताई जाती है बौद्ध धर्म की, अजंता की गुफाओं में सबसे ज्यादा पुरानी जो है गुफा संख्या 13 है आपकी। इन गुफाओं में चित्रों का भी वर्णन है, अगर आप कभी मौका कभी मिले आपको देखने का तो देखना, इनमें सभी में पिक्चर बनी हुई है, कोई चित्र शैली का प्रयोग किया हुआ है। अच्छा, चित्र बने हुए हैं तो कौन कौन से चित्र बने हुए हैं या किन में चित्र है? तो वैसे तो ओवरऑल इस पूरी गुफाओं में 16 नंबर गुफा जो है उसमें सर्वाधिक चित्र मिले हैं आपके, सर्वाधिक अगर पूछे जाए आपसे तो चित्रों का वर्णन किधर मिला है तो 16 नंबर गुफा में सबसे ज्यादा चित्रों का वर्णन मिला है। गुफा संख्या 13 सबसे पुरानी है, 8 से 13 में हीनयान से संबंधित है आपके, और 25 विहार है, 9 10 19 26 से चैत्य से संबंधित है, 16 17 19 केवल ही गुफा है जो कि बौद्ध इसके आपके गुप्त काल के दौरान बनी है, इतना याद रखना है। अच्छा, इसमें चित्र बने हैं तो कोई ना कोई विधि द्वारा बनाए गए तो होंगे, तो तीन विधियों का प्रॉपर इन्होंने प्रयोग किया था। इसमें सबसे पहली विधि है आपकी अलंकरण, दूसरी है वर्णन, तीसरी है आलेखन। कौन-कौन सी बताई मैंने? आलेखन, वर्णन, अलंकरण, तीन विधियां थी, आलेखन, वर्णन और अलंकरण। इन तीन विधियों पर ये चित्र शैली का सारा प्रयोग किया गया था, तीन विधियों द्वारा सारे चित्र बनाए गए थे। चित्र शैली तो आगे और भी प्रयोग की गई थी, दो चित्र शैली थी, एक टेम्पोरा थी, एक फास्को थी, ये भी पेपर में इंपॉर्टेंट है। टेम्पोरा शैली थी एक, तो एक फास्को शैली थी आपकी, फास्को, दो शैलियों पर चित्र बनाए गए थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका कि गुप्त काल की जो गुफाएं थी वो कौन सी चित्र शैली पे बनी है, टेम्पोरा और फास्को। कितनी विधि द्वारा चित्र बनाए गए थे? तीन विधि। कौन कौन सी थी आपकी? आलेखन थी, वर्णन थी, अलंकरण थी। आलेखन, वर्णन और अलंकरण, इन तीन विधियों पर ये आपके सारे के सारे चित्र जो है वो बनाए गए थे। इसमें सबसे ज्यादा चित्र मिले हैं 16 नंबर की गुफाओं से ही मिले हैं आपके। इसके अलावा आपके अजंता की गुफाओं के पास में ही, औरंगा के बाद के पास में ही एलोरा की गुफाओं का भी वर्णन मिला है। एलोरा की गुफाएं जो एलोरा की मिली है, वाघ की मिली है। एलोरा की जो गुफाएं हैं आपकी, एलोरा, एलोरा की गुफाओं में टोटल 34 गुफाओं का वर्णन मिला है। ठीक है, यहां पे कितनी थी? 29 थी। वहां पे कितनी थी? 34 थी। सो इतनी बात आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अजंता की गुफाएं कहां पे है, औरंगाबाद में। एलोरा की गुफाएं कहां पे, वो भी आपको औरंगाबाद ही आंसर मिलेगा। अजंता की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? 29 है। एलोरा में कुल कितनी है? 34 है। अच्छा, अजंता की गुफाएं कहां पे पड़ती है? अनिष्ठा गांव में पड़ती है, औरंगाबाद के। अच्छा, इसकी खोज किसने की थी? 1819 में की थी, मद्रास रेजिमेंट द्वारा खोज की गई थी। गुप्त काल में कौन कौन सी बनी थी? 16, 17 और 19 नंबर जो है वो गुप्त काल के दौरान बनी थी। अच्छा, इसमें चैत्य कौन कौन सी है? तो 9, 10, 19, 26 जो है चैत्य है, बाकी 25 है कौन सी है? विहार से संबंधित है। अच्छा, इन गुफाओं में किस धर्म के बारे में पता लगता है? बौद्ध धर्म के बारे में पता लगता है। किस से किस संख्या तक? 8 से लेकर 13 तक जो है बौद्ध धर्म के हीनयान के बारे में बताता है। इनमें सबसे पुरानी कौन सी है? 13वीं सबसे पुरानी है आपकी। अच्छा, इनमें चित्रों के बारे में पता लगता है, तो सबसे ज्यादा चित्र, सर्वाधिक चित्र किसमें मिले? 16 नंबर मिले हैं। अच्छा, चित्र बनाने की विधि कौन कौन सी थी आपकी? तो आलेखन थी, वर्णन थी और अलंकरण थी, तीन विधियों पर चित्र बने हैं। चित्र शैली में कितने प्रकार का प्रयोग किया गया? दो प्रकार का, एक टेम्पोरा और फास्को का। तो ये कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, तो इतना आपको याद रखना है। और आगे अब हमें इसे लास्ट में पढ़ना है, गुप्त काल के प्रशासन लास्ट में पढ़ते हैं कि गुप्त काल के प्रशासन के बारे में। अब हमें प्रशासन के बारे में सारा कुछ जानना है कि गुप्त काल के प्रशासन किस वजह, किस तरीके से चलता था आपका प्रशासन गुप्त काल का, प्रशासन यानी कि राजपाट सारा का सारा। वैसे तो देखो, गुप्त वंश में होता क्या था? गुप्त वंश में राजा होता था मेन, और राजा होता था वंशानुगत। ठीक है, वंशानुगत का मतलब क्या हुआ कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर बाप राजा है तो बेटा भी राजा बनेगा, बेटा राजा है तो उसका बेटा, अगर ऐसे राजा वंशानुगत चलता रहता था, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था। लेकिन उनके अंदर भी कुछ अधिकारी नियुक्त किए हुए होते थे, भी कौन कौन से अधिकारी थे और उनका क्या क्या काम होता था वो हम यहाँ पे जान लेते हैं कि क्या का काम था आपका। मेन सबसे पहले एक ये प्रतिहार नामक एक नियुक्त करते थे व्यक्ति, और जो प्रतिहार व्यक्ति था ये अंतःकरण की सुरक्षा करने के लिए रखा जाता था। इसे हम कह सकते हैं कि ये अंतःपुर, अंतःपुर के रक्षक कहलाता था आपका, अंतःपुर का रक्षक। अंतःपुर का रक्षक मतलब क्या है कि महल के अंदर अंदर की जो सारी सुरक्षा करता था वो प्रतिहार करता था। अच्छा, महल के अंदर की रक्षा होगी तो बाहर की भी रक्षा करनी पड़ेगी, तो महाप्रतिहार जो था ये आपकी राजमहल की रक्षा करता था,
राजमहल की रक्षा करने का मतलब क्या है कि ये महल के पूरे चारों तरफ बाहर की ओर सारी रक्षा करता था, महाप्रतिहार करता था आपका। अगला आपका है महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत जो था आपका, देखो रक्षा करने के लिए सेना चाहिए, ठीक है, तो जो सेना होती थी उस सेना का अधिकारी जो होता था आपका, सेना का अधिकारी वो ये व्यक्ति होता था, महाबलाधिकृत जो सेना का अधिकारी था। महादंड नायक, महादंड नायक, देखो दंड नायक का मतलब होता है किसी को न्याय देना, तो महादंड नायक को आप ऐसे याद रखिएगा, ये चीफ जस्टिस था उस टाइम का, यानी कि हम कह सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश था उस टाइम का, ये मुख्य न्यायाधीश, ये सारे फैसले न्याय वगैरह जो करता था आपका, तो यही करता था महादंड नायक, सारे के सारे न्याय करता था। अगला व्यक्ति है महासंधि विग्रह। महासंधि, देखो किसी के साथ संधि करना, मतलब संधि से मतलब समझ आ रहा होगा कि समझौता वगैरह करना, तो ये व्यक्ति नियुक्त किया जाता था या तो युद्ध के लिए या शांति के लिए, कैसा कौन सा क्षेत्र जीतना है, युद्ध से जीतना है शांति से जीतना है, ये सब कुछ नियुक्त करता था आपका, या ये सारी सलाह ले जाती थी तो महासंधि विग्रह से ली जाती थी। अगले व्यक्ति है पुष्पपाल। पुष्पपाल जो थे ये सारे के सारे भूमि का लेख है जो किसे संबंधित था, भूमि का जो भी लेखा जोखा होता था आपका वो सब कुछ पुष्पपाल व्यक्ति के पास में था। अच्छा दंडपासिक, देखो महादंड नायक और दंडपासिक में आप कंफ्यूज हो सकते हो, महादंड नायक का मतलब बड़ा है, ये मुख्य न्यायाधीश है मेन, लेकिन दंडपासिक जो था आपका ये पुलिस अधिकारी था, यानी कि आज के टाइम पे हम कहते हैं ना डीएसपी है एसपी है, उस टाइम का ये था पुलिस अधिकारी, तो सारा काम पुलिस का करना होता था इसी व्यक्ति को करना होता था। अच्छा महाअक्षपालिक, ठीक है, तो महाअक्षपालिक जो था आपका ये सारा आय और व्यय के बारे में जानता था, ठीक है, कि कितनी किससे आय, देखो भूमि की आय तो पुष्पपाल सिर्फ का लेखा जोखा लिखना, लेकिन बाकी और जो आय है राज्य के पास में कितनी आय आनी चाहिए और राजकोष के बारे में सब कुछ जानना है, खैर राजकोष के लिए अलग ही रखा हुआ था, लेकिन कंप्लीट खर्चे वगैरह के बारे में कितनी हमारी आमदनी हुई है और कितना, मुनीम जैसे बोलते हैं ना हम लोग, तो मुनीम की कंडीशन जो थी उस टाइम पे ये थी। अच्छा आत्म जो अमातम की जो थी वो नौकरशाह था, ठीक है, नौकरशाह मतलब जितने भी आपके नौकरों की जरूरत होती थी, नौकरशाह का जो पद था वो सारा का सारा अमातम के पास था। कुमार मात्य, ये सबसे ऊंचा पद था उस टाइम का, सबसे ऊंचा हम कह सकते हैं कि जो सर्वोच्च पद था उस टाइम का वो यही था। सर्वोच्च पद पे फिर कौन बैठेगा, जनरली इस पद पे बिठाया जाता था अपने बड़े ज्येष्ठ पुत्र को बिठाया जाता था, ताकि वो अपने राजपाट चलाने से पहले थोड़े बहुत राजनीतिक के गुर जो है वो जान ले थोड़ा बहुत, ठीक है। आगे आपके है पुरुपाल। पुरुपाल का काम होता था ये आपका नगर अधिकारी होता था, ठीक है, नगर के बारे में सब कुछ जानना, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर कह सकते हैं ना कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर थोड़ी बहुत जानकारी लेना, वो सब कुछ आपका पुरुपाल के पास होता था। अगला है आपका महादंडानी, महादंडा गाधिकृत, तो ये व्यक्ति का काम होता था आपका राजकोष चलाने का, राजकोषीय घाटा मतलब सारा का सारा कितना, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह सकते हैं अभी, जैसे आरबीआई है अपना, उस टाइम का ये आरबीआई का काम करता था आपका। और लास्ट आपका है कर्णिक, तो ये आपका लिपिक अधिकारी होता था उस टाइम का। तो यही थे दोस्तों आपका गुप्त काल का स्थापत्य काल, प्रशासन, इसके मंदिरों के बारे में, इसके कंप्लीट हमने डिस्कस कर लिया इस वीडियो के अंदर। कंप्लीट वीडियो आपको कैसा लगा, कंप्लीट 5 पार्ट इस गुप्त काल के आप देख लीजिएगा, आपको एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हो जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आते हैं तो दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को पूरी भी देखिएगा दोस्तों। आप बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।